गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू संगीता हीलिंग टेम्पल्स। तो आज इस मॉर्निंग में मैंने सोचा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे हम काम करते हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और जगह जगह एक अजीब सी लड़ाई चल रही है धर्म को लेके, कि ये धर्म अच्छा है या वो धर्म अच्छा है, और लोग धर्म के नाम पर लड़ते भी हैं। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे कि कौन सा धर्म सबसे अच्छा है और धर्म है क्या। धर्म को हम जाने तो सही, क्योंकि हम फला फला नाम दे देते हैं, ये धर्म वो धर्म, और इतने सारे धर्म चलते चले जा रहे हैं और नए धर्म पिछले 2-2.5 हज़ार साल में आ गए हैं, और उसकी वजह से लोग लड़ रहे हैं। तो जो मैंने समझा, जितना मैंने जाना स्पिरिचुअल जर्नी में कि धर्म क्या है, तो सबसे अच्छी धर्म की जो व्याख्या है वो है धर्म जिसको मनुष्य धारण करता है, आपकी नेचर आपका स्वभाव जिसको हमने धारण कर लिया वही धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है, अगर आप रामायण या महाभारत में आपने देखी हो तो तुम्हारा धर्म क्या है। आप कृष्ण पूछते हैं अर्जुन से कि क्या धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है। तो आपने अपने अंदर जो अपना स्वभाव है, जो आपने धारण कर लिया है, वही धर्म है। इसका कोई नाम नहीं है, इसका एक कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि फला धर्म, ये धर्म, वो धर्म। तो उससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है, वो तो इंसान ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक पर्टिकुलर सेक्ट बना लिया, प्रैक्टिसेस बना ली, कर्मकांड बना लिए, और उसको एक पर्टिकुलर दायरे में डाल के उसको धर्म का नाम दे दिया। बट कोई कर्म कांड करना या पर्टिकुलर कपड़े पहनना या पर्टिकुलर मंदिर या कहीं स्थान पे जाना धर्म नहीं है। इंसान का एक ही धर्म होता है, करुणा, प्रेम, क्षमा और दया। यही एक धर्म है जो एक मानव ह्यूमन बीइंग्स के लिए परमात्मा ने क्रिएट करा है। ये परमात्मा से क्रिएटेड धर्म है। अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं, उसे धर्मात्मा, एक धर्मात्मा शब्द कहा जाता है, धर्म को फॉलो करने वाली आत्मा जिसने धर्म को धारण कर लिया, अपनी नेचर को धारण कर लिया, अपने स्वभाव को धारण कर लिया। और आपके स्वभाव में अगर ये सब आ जाते हैं, अगर आप अपने मानव अपने आसपास लोगों से आप क्या भाषा बोलते हो इससे कोई लेना देना नहीं, आप किस तरह के कपड़े पहन के, किस तरह के आप कौन सी जगह जा रहे हो वर्शिप करने के लिए, कौन सी जगह आप प्रेयर किस तरह से करते हो, ये सब धर्म में नहीं आता। ये तो कर्म कांड है, आपको जिस तरीके से आप करना चाहो, ये फ्रीडम है आपकी करने की, ये प्रैक्टिसेस हैं, एक पर्टिकुलर तरीका है आपका धर्म। अगर आप किसी पर्टिकुलर सो कॉल्ड धर्म को उठा लें तो हर एक धर्म में इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाता है कि आप मानवता के लिए क्या कर रहे हो, एज ए ह्यूमन बीइंग आपने क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या आप लोगों को प्रेम कर रहे हो, क्या लोगों से आप क्षमा कर रहे हो, क्या लोगों के लिए आपके मन में जानवरों के प्रति करुणा है, क्या आप दया भाव दिखाते हो लोगों के लिए जो लोग तकलीफ़ में हैं, गरीब हैं। तो अगर आप करुणा प्रैक्टिस करते हो तो आप धार्मिक व्यक्ति हो, और यही आपका धर्म है। आपको यही चीज़ धर्मात्मा बनाता है, किसी भी कीचड़ उछाड़ना, अपने आप को प्रूव करना कि मैं फला फला उसमें पैदा हुआ हूँ और मैं सुपीरियर हूँ, यह धर्म नहीं है। और मेरा जो सो कॉल्ड जिस भी मैं परिवार में पैदा हुआ हूँ और वो जो है इतना पुराना है, इतना ये है, इतना वो है, उसको ग्लोरीफाई करना, और उसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हम, अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि हमारे तो ऐसे ऐसे गुरु हुए, हमारे तो ऐसे ऐसे भगवान हुए, हमारे तो ऐसे ऐसे पैगंबर हुए, या जो भी आप नाम दें, हमारे फलां हुए, ढिकां हुए, और वो इतने अच्छे थे। उनकी अच्छाई की बात नहीं है, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं दुनिया के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, क्या मैंने अपना धर्म निभाया है। अगर मैंने अपना धर्म निभाया है तो मैं 100% धार्मिक हूँ। तो जो मॉडर्न हम सो कॉल्ड रिलीजन्स का नाम दे रहे हैं, वो पर्टिकुलर आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, और वो ज़्यादातर
रिलीजन के नाम पे हम लोग लड़ाई झगड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो गेम खेल रहे हैं डोमिनेशन का। आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे अच्छा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये होता है, हमारे उन्होंने वो किया, पर जो नेट रिज़ल्ट है वो यही है कि हम सुपीरियर प्रूव करना चाहते हैं। और किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि वो ये बताए मुझे कि मैं सुपीरियर कैसे हूँ। अगर वह व्यक्ति लोगों को मदद कर रहा है, उसके मन में करुणा है और डोमिनेशन का भाव नहीं है, तो वही एक सच्चा धर्मपरायण, धार्मिक, धर्मात्मा व्यक्ति है। तो इस चीज़ को हमें डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है कि धर्म जो है वो कहाँ से आ रहा है। और ज़्यादातर लोग ये प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं कि मैं कैसे सुपीरियर हूँ या मेरे उसमें, तो दोस्तों वो धर्म नहीं है, वो एक डोमिनेशन का गेम है जो हम आम लोग खेल ही रहे हैं एक दूसरे के साथ। आई एम बेटर देन यू। तो जो अगर हमारे पुराने गुरु हुए हैं या भगवान हुए हैं, उन्होंने कभी डोमिनेशन का खेल नहीं खेला। अगर गुरु रहे हैं या जो भी हम मानते हैं, चाहे हम बुद्ध लें, चाहे हम महावीर स्वामी लें, उन्होंने लोगों की मदद करी है, उन्होंने करुणा फैलाई है, उन्होंने करुणा का पाठ सिखाया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बेटर हूँ, मैं दुनिया में सबसे अच्छा हूँ। उन्होंने कहा तुम भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, तुम भी करुणा, प्रेम, दया, ध्यान को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हो। बुद्ध ने भी यही कहा, और सब मनुष्य बराबर हैं। तो ये अगर हम फॉलो करते हैं तो सबसे अच्छा मेरे हिसाब से दोस्तों धर्म यही है। अगर इस वीडियो से किसी की भावनाएं हर्ट होती हैं तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, मैं धर्म को जो स्वभाव है उसको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। आप किसी भी उसको फॉलो करें, सेक्ट को, रिलीजन को, वो बहुत अच्छा है, उसी में अच्छाइयाँ छुपी हुई हैं, और उसी के गुरुओं ने या जो भगवान रहे हैं उन्होंने यही बताया, यही उपदेश दिया है। तो उस उपदेश को ना भूल के अगर हम सुपीरियरिटी भाव लाते हैं कि आई एम बेटर देन यू, तो आपने उनको सुना ही नहीं, उनको जाना ही नहीं। अपने धर्म, अपने स्वभाव को जानना अति आवश्यक है। यही एक मूल धर्म है, यही एक मूल स्वभाव है व्यक्ति का, इंसान का, मानव जाति का। और अगर हम सबको यही समझ में आ जाए कि हमने करुणा, प्रेम, दया, क्षमा ये प्रैक्टिस करना है और इसी में स्थित रहना है, तो इससे अच्छा और धर्म क्या होगा। फिर तो ये लड़ाई ही ख़त्म हो जाएगी कि मैं तुमसे बेटर हूँ या तुम मुझसे बेटर हो, या मैं इस धर्म से चला जाऊँ या उस धर्म में चला जाऊँ, वो बेटर है। सब धर्म एक ही हैं, एक ही बात बता रहे हैं। तो फिर कहाँ, जब एक ही बात है, सबका स्वभाव एक है, तो कहाँ कॉम्पिटिशन की भावना, सब ख़त्म हो जाती है। तो हमारे गुरुओं ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे भगवानों ने ये जो पाठ पढ़ाया है, ये सबसे अच्छा पाठ है। तो इसको हम फॉलो करेंगे तो देयर विल बी पीस एंड लव इन दिस वर्ल्ड। इस धरती पे पीस आ जाएगी। तो हमें उस पीस के लिए जीना है, उस धर्म को स्थापित करना है जो एक मानवता का धर्म है। और सब धर्म एक हैं, हम सब एक ही हैं, एक ही सागर से ये सारी बूंदें आई हैं और इसी सागर में ये सारी बूंदें चली जाना है। तो फिर किस बात की लड़ाई, यहाँ पे क्यों प्रूव करना है हमने। ये अहंकार की भाषा है कि मैं तुमसे अच्छा हूँ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। वो ज्ञान हम सब में है। तो लेट्स फॉलो दिस स्वभाव जो स्वयं के अंदर है, एंड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, दे आर ऑल सेम, सब एक ही बात कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।